अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 13। आज के इस लेसन में हम आर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आर्क कमांड क्या होती है और आर्क कितनी टाइप्स की होती है और किस तरह हम ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो आज के लेसन में हमने आर्क के ऊपर डिस्कस करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क और उसकी कमांड क्या क्या है, इन चीज़ों के ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले ये जो ग्रिड्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए मैं F7 प्रेस करूँगा, यूनिट्स को सेट करूँगा, आर्किटेक्चर एंड 0 फुट 0 इंच, ओके, या फिर मैं इसको इंजीनियरिंग करता हूँ। अब मैं आर्क के ऊपर डिस्कस करता हूँ, आर्क होती क्या है और इसे किस तरह ड्रॉ किया जाता है। तो आप होम के बटन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे आर्क कमांड नज़र आ रही होगी। आर्क के बाद है सर्कल, सर्कल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आर्क के ऊपर डिस्कस करते हैं, आर्क कमांड क्या होती है और आर्क को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। तो आर्क के ऊपर डिस्कस करते हैं, आर्क आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी। उसके अलावा आपको आर्क जो है आप ड्रॉ टूल बार में जाएं, यहाँ पे भी आर्क है और आर्क में सारे के सारे ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। सॉरी, ड्रॉ मेन्यू बार में आप जाके यहाँ से देख सकते हैं आर्क के ऊपर। उसके अलावा होम में हमारे पास ड्रॉ में, ड्रॉ के रिबन में हमारे पास आर्क पड़ी हुई है और यहाँ से भी आप आर्क देख सकते हैं। सिंपल जो आर्क होती है 3 पॉइंट आर्क, तो 3 पॉइंट आर्क जो होती है वो आप देखें यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क है जो सिंपल आर्क होती है, या आपके पास यहाँ पे जो आर्क ऊपर बनी हुई है 3 पॉइंट आर्क है। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करें और थर्ड पे क्लिक करें तो ये आपके पास आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अब आर्क को आप एक स्पेसिफिक मेजरिंग के थ्रू भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन देता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, 10 फुट की मैं एक लाइन देता हूँ, ओके, जेड स्पेस ए स्पेस, जेड स्पेस ए स्पेस, यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट पे ले जाता हूँ, यूसी एंटर, और इसको डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। अब आर्क के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आर्क में आपके पास सबसे पहली जो आर्क है 3 पॉइंट आर्क है, तो 3 पॉइंट में आपने 3 पॉइंट आर्क को क्लिक करें। 3 पॉइंट के लिए आपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट के सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें और थर्ड पॉइंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आर की डायरेक्शन चेंज की हुई है, आर की डायरेक्शन को सही लाने के लिए आप ए, जो सिंपल आर की कमांड है वो है ए एंटर, 3 पॉइंट आर्क की भी है। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, सेंटर पे मैंने क्लिक किया, सॉरी ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये वाला, ये फर्स्ट पॉइंट। अब देखें ये हमारे पास ऊपर नहीं जा रहा, देख सकते हैं आप। इसके लिए आप F8 प्रेस करें, आप तो मूड ऑन करें, सेंटर पे क्लिक करें और थर्ड पॉइंट पे क्लिक करें, सेकेंड और थर्ड पॉइंट पे क्लिक करें तो वापस एक आर्क इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आर्क का जो मेथड है, नेक्स्ट आर है आर्क हमारे पास, तो आर्क की शॉर्ट कमांड है ए और उसके अलावा आप यहाँ से भी आर्क को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्क के हमारे पास स्टार्ट सेंटर और एंड, क्लिक करें इस पे। इसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें, इसी के सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, एंड पे क्लिक करें, तो अब देखिए आपके पास एक आर्क ड्रॉ हो गई है। अब यह आर्क बॉटम वाली साइड पे ड्रॉ हुई है, तो आप चाहते हैं कि टॉप पे ड्रॉ हो, तो टॉप के लिए दोबारा आप यही काम करें, आप टॉप से स्टार्ट करें, इस साइड से स्टार्ट करें, सेंटर और एंड, देखिए आपके पास एक आर्क ड्रॉ हो गई है। तो ये था जी आर्क में स्टार्ट सेंटर एंड। उसके बाद है स्टार सेंटर एंगल, स्टार और सेंटर एंगल के लिए स्टार्ट पे क्लिक करें, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेंटर पे क्लिक करके आप एंगल दे दें, एंगल में देता हूँ इसको 90, F45 का एंगल देता हूँ मैं, एंटर करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये 45 के एंगल पे आपके पास आर्क ड्रॉ हुई है। अब ये एंगल चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं,
चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। दोबारा मैं आर्क लेता हूँ, आर्क अब मैंने ये बॉटम वाली साइड पे, या मैं इसको टॉप वाली साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट सेंटर लेंथ आप क्लिक करें, स्टार्ट सेंटर एंगल सॉरी, इस साइड से आप स्टार्ट करें, स्टार्ट सेंटर पॉइंट और एंगल 45 का एंगल दे दें, 45 के एंगल में लग गए। अब ये वाला एंगल आप नीचे बॉटम वाली साइड पे देना चाहते हो, उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि स्टार्ट सेंटर एंगल पे क्लिक करें, स्टार्ट सॉरी मैंने डबल क्लिक कर लिया, स्टार्ट पे क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक किया, एंगल आप दे दें माइनस माइनस 45 करके एंटर करें आप, देखिए -45 क्या तो नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह आप माइनस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अब इसका एंगल देखना, तो एंगल आप सेंटर पॉइंट से आप देख सकते हैं, देखिए मैं लाइन एंटर करता हूँ तो आपको सामने नज़र आ जाएगा क्योंकि मैंने सेंटर से ही ड्रॉ किया था एंगल, क्लिक करें। अब आप यहाँ पे देखें ज़रा, इसको मैं यहाँ पे से जोड़ता हूँ, देखें आपके पास 45 का एंगल दिया हुआ, इसने दे दिया। एंगल चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डायमेंशन से भी आप जाके चेक कर सकते हैं, तो डायमेंशन में जाते हैं, डायमेंशन में अपने एंगुलर डायमेंशन सेलेक्ट करनी है, ये और इसके दरमियान का एंगल से चेक करते हैं, तो आप ये देखिएगा 45 का एंगल है, आप देख सकते हो। ओके तो ये थे जी हमारे पास स्टार सेंटर एंड, और उसका एंगल हमने चेक किया कि एक्यूरेट एंगल आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है आर्क में, नेक्स्ट हमारे पास कमांड है स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ के लिए स्टार्ट पे क्लिक करें, सेंटर पे क्लिक करें और लेंथ दे दें, लेंथ में देता हूं इसको 10। अभी 10 इंच की लेंथ है, आप देख सकते हैं 10 फुट की देना चाहता हूं, मैं 10 के साथ फुट भी सिलेक्ट करूंगा तब आएगा। स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर और लेंथ 10 फिट एंटर करता हूँ, अब 10 फिट की लेंथ आ गई जी, देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास लाइन भी 10 फिट की थी, उसने पूरी की पूरी 10 फिट की वापस लेंथ दे दी है। अगर आप इसी लेंथ को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट सेंटर और लेंथ पे क्लिक करें, स्टार्ट सेंटर लेंथ में देता हूँ 5 फिट एंटर करता हूँ, तो देखें इसकी हाफ लेंथ आ गई, आप देख सकते हैं लेंथ इसकी। आप चेक करना चाहते हैं ना, तो चेक करने के लिए आप चाहे यहाँ पे मैंने 5 फुट लेंथ दी है इसको, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएं डायमेंशन में और आर्क लेंथ पे क्लिक करें, अब इसकी डी एंटर करें डायमेंशन क्योंकि मैंने सेट नहीं की हुई, मॉडिफाई इंजीनियरिंग और 0 फुट 0 इंच, देख सकते हैं 5 फुट और 3 इंच की हमारे पास लेंथ आ गई है। मैंने 5 फुट की दी थी लेकिन 3 फुट मैंने शायद कि मैंने थोड़ा सा इसमें किया होगा इसलिए। नेक्स्ट टाइम हमारे पास होम में आर्क, स्टार्ट एंड एंगल पे क्लिक करें, स्टार्ट क्यों मैं स्टार्ट से सिलेक्ट नहीं करता, मैं दोबारा करता हूँ, स्टार्ट एंड एंगल स्टार्ट पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया, एंगल जितना भी आप देते हैं मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल 45 का एंगल देता हूँ, 45 के एंगल हमारे पास ये बन गया, ये 45 के एंगल में यहाँ पे बना है, क्योंकि देखिएगा किस तरह 45 के एंगल पे बना है, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, एंड पे क्लिक किया, एंगल दे दिया, आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये 53 एंगल है, 58 है, 64 है,
ये आप देखें यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है और नीचे से इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। 180 करेंगे, देखें 180 जो ही मैंने किया ये 180 के एंगल में आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है आपके पास स्टार्ट एंड डायरेक्शन पे क्लिक करें, स्टार्ट पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया और डायरेक्शन इस साइड पे देते हैं इस साइड पे आ जाएगी, और इस साइड पे देते हैं तो इस साइड पे आ जाएगी। आपने जो भी डायरेक्शन चूज़ करनी है आप डायरेक्शन चूज़ करें, और 90 का एंगल में साथ में लेता हूँ, देख सकते हैं आप डायरेक्शन जो भी आपने चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पे क्लिक करें, एंड पे क्लिक करें और रेडियस दें। स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया और मैं इसको रेडियस देता हूँ। अब जितना मर्जी रेडियस देना चाहिए, यहाँ पे देखें रेडियस दिया हुआ है, तो मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 6 फिट देता हूँ मैं इसको रेडियस। अभी देखें 6 फिट की रेडियस पे हमारे पास आर्क बन गई है। नेक्स्ट आपके पास आर्क में सेंटर स्टार्ट एंड पे क्लिक करें, तो ये भी वही चीज़ है, सेंटर स्टार्ट और एंड पे क्लिक करें तो देखें आर्क ड्रॉ होगी। नेक्स्ट है आपके पास जी सेंटर स्टार एंगल, सेंटर स्टार्ट और एंगल दे दें आप 45 का एंगल देता हूँ, एंटर करता हूँ तो एंगल में आ गया 45 का। नेक्स्ट सेंटर स्टार्ट लेंथ पे क्लिक करें, मैंने यहाँ पे सेंटर दिया फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार्ट किया, और यहाँ पे जाके मैं लेंथ दे देता हूँ 5 फुट, एंटर करता हूँ तो लेंथ भी आ गई। नेक्स्ट है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का फंक्शन है जो आपने लास्ट जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट होता जाएगा, तो आप आर्क में जाएं कंटिन्यू पे क्लिक करें तो देखें इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे कर लिया। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ फॉर एग्जांपल आर्क कंटिन्यू करता हूँ, फिर इस लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू होगा जिस तरह आप जाना चाहें, तो ये कंटिन्यू कमांड है। तो ये था जी आपके पास आर्क और आर्क के डिफरेंस कमांड के, हमने आर्क में क्या क्या काम किया। ये एंटर करता हूँ, देखते हैं आर्क में और क्या आता है। ओके स्टार सेंटर एंड आ रहा है, इसके अलावा और कोई कमांड नहीं आर्क की, बस यही चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।